धर्म का वन लाइन डेफिनेशन ये है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। दैट मीन्स भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है ना, भगवत प्रणीतम, भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना, यही धर्म है। धर्मम तु साक्षात, यही रियल धर्म है। जो भगवान के भगवत प्रणीतम, जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अच्छे से एज इट इज़ फॉलो करना। दैट मीन्स भगवान कौन है? भगवद गीता में कहते हैं श्री भगवान उवाचा। जब कृष्णा कुछ भी कहते हैं तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? भगवान, भगवान उवाचा, भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा जाता श्री कृष्णा उवाचा। जब भी कृष्णा कुछ कहते हैं तो क्या लिखते हैं? श्री भगवान उवाचा। दैट मीन्स कृष्णा कौन है? भगवान है। और ये कौन कह रहा है? ये संजय कह रहे हैं। संजय कौन है? व्यास देव के पुत्र हैं। व्यास देव कौन है? जिन्होंने सभी वैदिक लिटरेचर को लिखा है। दैट मीन्स कृष्णा के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं भगवद्गीता में, भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं। और इसलिए भगवान के इंस्ट्रक्शंस को अगर हम फॉलो करते हैं, भगवद गीता के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और कौन सी भगवद गीता? भगवद गीता एज इट इज़, जो कृष्णा के रियल मैसेज है, रियल मैसेज, एज इट इज़ मैसेज, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर रियल में वही धर्म है, वही धर्म है, एक्चुअल में वही धर्म है। ठीक है, धर्म का ये एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन ये है, पानी का धर्म क्या है? लिक्विडिटी इज़ द धर्म ऑफ वाटर। पानी का धर्म क्या है? वो लिक्विड रहेगा। पानी अगर बर्फ़ बन जाता है, पानी अगर गैस बन जाता है, तो वो उसका रियल धर्म नहीं है। हा? उसका रियल धर्म क्या है पानी का? कि वो लिक्विड बन के रहे। चीनी का धर्म क्या है? कि वो मीठा रहे। नमक का धर्म क्या है? कि वो नमकीन रहे। हा? तो जिसकी जो क्वालिटी है उसको एग्जिबिट करने की, वही उसका धर्म होता है। तो हमारा हम क्या हैं? हमारा धर्म क्या है? कि हम भगवान से बिलोंग करते हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम भगवान से बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू कृष्णा। सो आवर धर्म इज़ टू डू एक्टिविटीज़ इन अलाइनमेंट ऑफ गॉड। हम जो भी एक्टिविटी करें वो कृष्णा के लिए करें। कृष्णा से ही हमारा संबंध है, उन्हीं से हमारी पहचान है, भगवान से ही हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। और हम जो भी एक्टिविटी करें उनके लिए करें, उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करें, तो यही हमारा धर्म है, हमारी पहचान है। जैसे कि पानी की पहचान उसकी लिक्विडिटी से होती है, चीनी की पहचान उसकी मिठास से होती है ना, उसी तरह से हमारी पहचान किससे है? कि हम सच्चिदानंद हैं। सोल क्या है? सच्चिदानंद। और इस आइडेंटिटी के साथ अगर हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं, इन अलाइनमेंट विथ सुप्रीम लॉर्ड, इन कनेक्शन विथ सुप्रीम लॉर्ड, तो इस तरह से जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, उसी को कहते हैं धर्म। अगर हम इस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं तो कहते हैं उसको धर्म का पालन करना। और जब हम अधर्म का पालन करते हैं, दैट मीन्स जब हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जाते हैं, तो वो कहते हैं अधर्म का पालन कर रहा है। जैसे भगवान ने कहा है कि मीटिंग नहीं करनी, दूसरों को क्यों तकलीफ करना, हिंसा नहीं करना, मारना नहीं है। और हम अगर भगवान की बात को नहीं मानते हैं, इग्नोर करते हैं और हिंसा करते हैं, तो वो अधर्म है। किसी के साथ धोखा नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, गलत काम नहीं करना, जो नहीं करता वो अधर्म है। तो यही सब चीज़ें, धर्म और अधर्म।